नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने फहराया तिरंगा, अपने नाम दर्ज किया एक नया रिकॉर्ड। जल्द खत्म होगा जातिगत गणना में डाटा एंट्री का काम। सीएम और राज्यपाल ने राज्यवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। बीपीएससी ने 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी की। बिहार, बंगाल और झारखंड की 20 ट्रेनें एक हफ्ते के लिए रद्द। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने फहराया तिरंगा, अपने नाम दर्ज किया एक नया रिकॉर्ड। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में स्थित गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया गया और फिर उन्होंने डीजीपी आरएस भट्टी के साथ परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान 22 मिनट तक बिहार सरकार के 13 विभागों के द्वारा झांकियां प्रस्तुत की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सीएम नीतीश के द्वारा पटना के गांधी मैदान में लगातार 17वीं बार झंडा फहराया गया है, जिससे कि अब उनके नाम सबसे अधिक तिरंगा फहराने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। मालूम हो कि इससे पहले इस स्थान पर मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह थे, जिन्होंने कुल 14 बार गांधी मैदान में झंडा फहराया था। जल्द खत्म होगा जातिगत गणना में डाटा एंट्री का काम। बिहार में जाति आधारित गणना की एंट्री का काम अगले 48 घंटे में पूरा हो जाएगा। इसको लेकर बहुत जल्द ही राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की जाएगी। मालूम हो कि इस संबंध में बीते दिन मुख्य सचिव बिहार आमिर सुभानी के द्वारा शाम को जाति आधारित गणना से जुड़े कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के वरीय अधिकारी व सभी जिलों के जिलाधिकारी, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारी भी शामिल हुए। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार जाति आधारित गणना के दूसरे चरण में सर्वेक्षण के दौरान प्रगणकों के द्वारा एकत्र की गई जानकारी को बिजाग ऐप पर अपलोड किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जाति आधारित गणना के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। सीएम और राज्यपाल ने राज्यवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई। सीएम नीतीश ने कहा कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आहुति देने वाले तमाम वीर सपूतों और तमाम सेनानियों की कुर्बानियां अमर है। उनके संघर्ष व कुर्बानी के कारण ही हम सभी को आजादी का शानदार तोहफा मिला है। आपसी भाईचारा, मेल जो सद्भाव सहित सहिष्णुता का वातावरण बनाए रखे, देश की आजादी अक्षुण बनाए रखने का संकल्प लें। यह संकल्प लें कि हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, देश की प्रगति, समृद्धि एवं विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, देश का नाम दुनिया में रोशन करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर के द्वारा कहा गया कि देशवासियों को राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, सद्भावना व सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने के साथ राष्ट्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर सदैव सजग, तत्पर और प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्यवासियों के सहयोग से बिहार विकास के पथ पर सदैव आगे बढ़ेगा और भारत की गरिमा भी बढ़ेगी। बीपीएससी ने 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी की। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 में भाग लिया था, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से इस परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है, जिसे परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर होम पेज पर दिख रहे लिंक फाइनल आंसर की पर क्लिक कर स्क्रीन पर मौजूद पीडीएफ को खोल अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। मालूम हो कि इस परीक्षा का आयोजन 4 जून 2023 को आयोजित किया गया था। वहीं इस परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की सामान्य अध्ययन व लॉ के लिए 13 जुलाई को जारी की गई थी और फिर 15 अगस्त को जारी की गई थी। कोसी का जलस्तर बढ़ते ही जायजा लेने सुपौल पहुंचे संजय झा। नेपाल में कोसी नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण वीरपुर स्थित कोसी बराज पर बढ़े जलजमाव तथा नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ से सुरक्षा के लिए बीते दिन जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा कोसी नदी का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यालय के सभी अधिकारियों और फील्ड में तैनात टीमों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तटबंधों की सुरक्षा के लिए विभाग की टीमों द्वारा रात में की जा रही गश्ती की जीपीएस लोकेशन के साथ रियल टाइम तस्वीर मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि मुख्यालय से उसकी निगरानी की जा सके और वरीय अधिकारियों द्वारा आवश्यकता अनुसार जरूरी निर्देश दिए जा सके। उन्होंने कहा कि नेपाल के बड़ाह क्षेत्र समेत विभिन्न जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण वीरपुर बराज पर अत्यधिक जलस्राव देखने को मिला।
उन्होंने कहा कि इस बारे में सीएम नीतीश को जानकारी दे दी गई है। जलस्तर के बढ़ने से दो जिलों का टूटा संपर्क, बिहार की कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बाढ़ की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। बता दें कि शिवहर मोतिहारी सड़क पर बागमती नदी का पानी पहुंचने से दो जिलों के बीच संपर्क टूट गया है। मालूम हो कि यह पानी कच्ची सड़क के रास्ते निकल जिहुली देवापुर गाँव के निचले हिस्से में फैल रहा है। इस बारे में सीओ सौरभ कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नदी के जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, इसलिए इसको देखते हुए देवापुर घाट पर कर्मचारी को तैनात किया गया है। बता दें कि इन सब के अलावा वाल्मीकि नगर से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक दियारा के कई इलाकों में भी नदी का पानी घुस चुका है। वहीं बगहा शहर के कई जगहों पर पानी का दबाव तेज है। इन सभी को देखते हुए सभी कर्मियों को अलर्ट मोड में रखा गया है। 9 स्टेशनों पर फोटो प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, देश की युवा पीढ़ी उस देश वंदना विभीषिका और पलायन की मानवीय त्रासदी को जान सके और इतिहास से यह सीख सके कि आपसी प्रेम एवं भाईचारा सभ्यता के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के दिन राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन के अलावा अन्य 8 स्टेशनों मोकामा झाझा राजगीर दानापुर जहानाबाद आरा बक्सर डुमराव पर भी लगाई गई। इसके साथ इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक दानापुर द्वारा स्वतंत्रता सेनानी दीना चौधरी को सम्मानित भी किया गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा कहा गया कि उस समय भारतीय रेल ने 15 अगस्त 1947 से 8 सितंबर 1947 के बीच लगभग 7 लाख शरणार्थियों को लाने और ले जाने का काम पैसेंजर और मालगाड़ियों के द्वारा किया था। जब मानवता तार तार हो रही थी तो रेल ने लोगों के जान माल को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नीतीश कुमार के मंच के करीब आकर नारेबाजी करने लगा युवक, आज गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 15 अगस्त के मौके पर झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को मंच से संबोधित भी किया। हालांकि इस दौरान अचानक दर्शक दीर्घा से एक युवक कार्यक्रम के मंच के करीब पहुंच नारेबाजी करने लगा, जिसे देखते ही वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी फौरन सक्रिय हो गए और सुरक्षाकर्मियों के द्वारा उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और फिर वहां से उसे हटाया गया। वहीं सीएम नीतीश भी इस दौरान अचानक भाषण देते देते रुक गए। उन्होंने मंच से पूछा कि वह युवक क्या कहना चाहता है। मालूम हो कि फिलहाल उस युवक को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है और उसे गांधी मैदान थाना ले जाकर पूछताछ की जा रही है। शौचालय सफाई की टंकी से भारी मात्रा में शराब बरामद, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है इससे तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन मामलों में कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल पा रहा, बल्कि शराब तस्कर तस्करी के लिए और भी नए नए तरीके का इजाद कर रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला बेतिया का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम चंपारण बेतिया द्वारा गठन किए गए दल के द्वारा छापेमारी करते हुए उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही ट्रैक्टर में लगे शौचालय सफाई टैंक से कुल 1,439.96 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए हैं और साथ ही दो तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान बबलू कुमार यादव और प्रमोद यादव के रूप में की गई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। बिहार बंगाल और झारखंड की 20 ट्रेनें एक हफ्ते के लिए रद्द, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो 18 से 30 अगस्त के बीच ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल पूर्व रेलवे के हावड़ा रेल मंडल अंतर्गत रामपुर हाट सहित अन्य रेल सेक्शनों के बीच हो रहे नॉन इंटरलॉकिंग के काम को लेकर पूर्व रेलवे के द्वारा 20 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिनमें भागलपुर जमालपुर क्यूल जसीडीह हावड़ा से अलग अलग तारीखों में खुलने वाली ट्रेन शामिल है। बता दें गाड़ी संख्या 1, 2, 2, 5, 4 भागलपुर यशवंतपुर साप्ताहिक अंग एक्सप्रेस 16 और 23 अगस्त को रद्द रहेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन यशवंतपुर से भागलपुर 19 और 26 अगस्त को रद्द रहेगी। हावड़ा से 16 से 30 अगस्त तक खुलने वाली गाड़ी संख्या 13031 हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस और वापसी में 17 से 30 अगस्त तक चलने वाली जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस रद्द रहेगी। हावड़ा से 17 से 30 अगस्त तक चलने वाली गाड़ी संख्या 13015 कविगुरु एक्सप्रेस और वापसी में जमालपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 13016 जमालपुर हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस 18 से 30 अगस्त तक रद्द रहेगी। वहीं हावड़ा से 18 से 30 अगस्त तक खुलने वाली गाड़ी संख्या 13023 हावड़ा गया एक्सप्रेस हावड़ा से 11:50 बजे खुलेगी, जबकि गया से 18 से 30 अगस्त तक चलने वाली गाड़ी संख्या 13023 गया हावड़ा एक्सप्रेस शाम 4:40 बजे गया से चलेगी। ट्रेन संख्या 13024 गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन झाझा आसनसोल के रास्ते चलेगी। इसके अलावा कई और भी ट्रेनें हैं जो इस दौरान रद्द रहने वाली हैं। बिहार में आयकर रिटर्न
दाखिल करवाने वालों की बढ़ी संख्या। बिहार में पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल करवाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कुल 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मालूम हो कि 31 मार्च 2022 तक आयकर रिटर्न दाखिल करवाने वालों की संख्या राज्य में जहां 22.36 लाख थी, तो वहीं 31 मार्च 2023 तक इसकी संख्या बढ़कर 24.30 लाख हो गई है। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल कुल 1.92 लाख अधिक लोगों के द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करवाए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही की, तो राज्य में आयकर रिटर्न दाखिल करवाने वालों की संख्या 4.71 लाख रही है, जबकि पिछले साल की इस अवधि तक यह संख्या 2.32 लाख थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयकर दाखिल करने में बिहार ने अपने पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और यूपी को भी पीछे छोड़ दिया है। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश से की ये बड़ी मांग। आज 15 अगस्त के मौके पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए एक बड़ी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 15 अगस्त पर बताएं जनादेश से क्यों उन्होंने विश्वासघात किया, 20 लाख लोगों को साल भर में भी क्यों नहीं नौकरी सरकारी नौकरी मिली, 4 सीटेड व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाए रखने की क्या मजबूरी है, तिरंगा के नीचे खड़े होकर बताएं कि अपराध की बढ़ती घटनाओं से आजादी कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश लालू डील के तहत बनी सरकार ने चेहरा छिपाने के लिए जो नियुक्ति पत्र बांटे और फोटो खिंचवाए, वे सारी नियुक्तियां एनडीए सरकार के समय हो चुकी थी, फिर यह धोखा क्यों किया गया। नौकरी के बदले जमीन मामले में 4 सीटेड व्यक्ति को 6 विभागों का मंत्री और डिप्टी सीएम बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार से समझौता क्यों करना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी, यह भी मुख्यमंत्री को अपने संबोधन में बताना चाहिए। क्या इसे दिन के लिए स्वाधीनता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, हत्या, बलात्कार, महिलाओं से बर्बरता, बैंक लूट और राहजनी से लेकर पुलिस पर बालू शराब माफियाओं के हमले जैसी घटनाओं में वृद्धि के कारण आजादी क्यों कलंकित हो रही है, इससे आजादी कैसे मिलेगी, यह भी मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। 15 अगस्त को जन्मे 2 भारतीय क्रिकेटर जी रहे गुमनाम जिंदगी। आज के दिन हमारे देश में 2 भारतीय क्रिकेटर का जन्म हुआ था जिन्हें हमेशा ही याद किया जाता है, लेकिन आज वे गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। बता दें कि आज पूर्व भारतीय ऑलराउंडर विजय भारद्वाज और पूर्व महिला क्रिकेटर हेमलता काला का आजादी के दिन जन्म हुआ था। मालूम हो कि नैरोबी में हुई त्रिकोणीय सीरीज में विजय भारद्वाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कुल 10 विकेट लिए और बिना आउट हुए 89 रन बनाए थे, लेकिन इन सब के अलावा इन्हें स्लिप डिस्क की दिक्कत थी जिसे ठीक होने के लिए उन्होंने ऑपरेशन करवाया, लेकिन उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई और इसके साथ ही उनका इंटरनेशनल क्रिकेट भी जल्द समाप्त हो गया। वहीं हेमलता काला भारतीय महिला क्रिकेट की अहम खिलाड़ियों में से एक रहीं। हेमलता ने भारतीय महिला टीम के लिए 1999 से 2008 तक 7 टेस्ट, 78 वनडे और 1 T20 मैच खेला। हेमलता ने अपने टेस्ट करियर का अंत 50 से भी ज्यादा रन की औसत के साथ किया। साल 2021 में उन्हें BCCI ने नई जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें सीनियर महिला चैलेंजर ट्रॉफी के लिए भारतीय बी टीम का कोच बनाया गया था। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 108.12 रुपए और डीजल 94.86 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.22 रुपए और डीजल 94.94 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 109.11 रुपए और डीजल की कीमत 95.76 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.02 रुपए और डीजल की कीमत 94.65 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.98 रुपए प्रति लीटर निर्धारित है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.73 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.34 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, गोनर शर्मा, नन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद फहीम, रंजीत मिश्रा, अक्षय कुमार पांडव, मोहम्मद सकीर हुसैन, सदुल्लाह पल्लवी, कन्हैया कुमार, हरीश्वर कुमार, नंद कुमार सिंह, अंशुप्रिया, प्रेमजीत सिंह, लक्ष्मी रॉय, राजकिशोर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में आज 15 अगस्त कैसे मनाया गया। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।